ठुमरी की रानी गिरजा देवी उर्फ अप्पा जी को दिल्ली में श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में अप्पा जी के संगीत में जीवन के व्यक्तित्व से जुड़े संस्मरण लोगों ने साझा किए। इस श्रद्धांजलि सभा में अप्पा जी की शिष्या और उत्तराधिकारी सुरंधा शर्मा ने उनकी सादगी, सरलता, संगीत के प्रति उनका समर्पण से जुड़े अनछुए पहलुओं से लोगों को रूबरू कराया। सुरंधा शर्मा ने अप्पा जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पंडित साजन मिश्र ने भी उन्हें नमन किया और कहा कि अप्पा जी के यूं चले जाने की वजह से आज एक शून्य पैदा हुआ है, उसे भरना हम सब के लिए बेहद मुश्किल चुनौती। इस कार्यक्रम में अप्पा जी के परिवार के लोग भी शामिल हुए और उन्होंने भी उनसे जुड़ी स्मृतियों को साझा किया। अप्पा जी के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन राजगिरी संस्था ने दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन में किया था। मंगलवार 24 अक्टूबर रात 9 बजे दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हुआ था। गिरजा देवी 88 वर्ष की थी। खास बात यही है कि ऐसे सच्चे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं और उनकी जो पर्सनैलिटी की सच्चाई थी वही उनके म्यूज़िक में थी, उनके संगीत में। तभी उनका संगीत संगीतकारों को और जो संगीत को नहीं जानते थे, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको टच करता था, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में इतना अपने आप को तप करती थी, इतना अपने आप को डिसिप्लिन में, कमिटमेंट में उन्होंने रखा हुआ था कि एक फोकस के साथ अपने संगीत को जीती थी। तो संगीत मात्र उनके लिए एक सब्जेक्ट नहीं था, एक जीने का रास्ता था और एक ईश्वर को पाने का मार्ग जैसा था। तभी वो संत का औरा था उनका। अप्पा जी एक ऐसी कलाकार हुई हैं कि उनको कैसे याद करते हैं ये बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो ऐसा गाना गा के गई इसलिए उनको याद करते रहेंगे हमेशा। और बड़ी भारी कर्मयोगिनी थी वो और बहुत ही प्यारी महिला, प्यारी कलाकार। एक अच्छा कलाकार, एक अच्छा इंसान होना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनके अंदर में ये बड़ी भारी खूबी थी कि जितनी बड़ी कलाकार थी उतनी बड़ी इंसान भी थी वो।